दोस्तों ये सिलेंडर हेड है फोर्ड फिगो पेट्रोल कार का, जो कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने सब दिखा दिया था कि इस इंजन में क्या क्या नुकसान हुआ था, वो मैंने पूरा दिखा दिया था। लेकिन अभी क्या है कि इंजन का पार्ट सभी मिल गया, तो ये वीडियो अपलोड करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया है। बाकी इसका जो जो पार्ट हमने सभी ओरिजिनल मंगवा लिया है फोर्ड का, और इसका सफाई का सभी काम चल रहा है अभी, तो ये सब अच्छे तरीके से साफ करके रेडी करके और हम इसको जो है फिटिंग करवा देंगे। तो इसका हेड का जो फेस है ये पहले ही हो चुका है कंपनी के अंदर, उसके बाद ये गाड़ी हमारे पास आई है। तो अभी ये हेड का फेस हमने चेक कराया, तो हेड का फेस तो ठीक है, लेकिन इसके ब्लॉक का जो फेस है सिलेंडर ब्लॉक का, वो पूरा आउट है। तो सिलेंडर ब्लॉक का फेस भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और इस हेड के जो वाल हैं दोस्तों, वाल बिल्कुल सही निकले हैं, तो वाल हम पुराने ही लगाएंगे, बाकी इसकी वाल सीले ये सब नए डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक का काम चल रहा है। तो क्या हुआ था कि क्योंकि इसके पिस्टन जो है वो सीज हो गए थे, और पिस्टन सीज होने के बाद में इसके जो सिलेंडर ब्लॉक हैं उस पर काफ़ी सारे स्क्रैच बन गए थे, गड्ढे बन गए थे। तो सिलेंडर ब्लॉक की जो स्लीव हैं वो अब इसमें नई लगवाना पड़ेंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर स्लीव लगेंगी। तो पहली बार में क्या होता है कि इसका सिलेंडर ब्लॉक, तो बॉडी कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसमें स्लीव लगाना पड़ती हैं। तो ये स्लीव हमने मंगवा ली हैं चारों, एक सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है, और बाकी की जो तीन स्लीव हैं वो नीचे की साइड में रखी हुई हैं, ये यहाँ पर। तो चार स्लीव जो हैं, चारों स्लीव का साइज़ बनाकर इसमें लगाना पड़ता है। तो इसकी बॉडी कटिंग तो हो गई है, और यहाँ पर इस एरिया में ये कटिंग करने के बाद में इस एरिया में स्लीव लगेंगी चारों, ये नई, और उसके बाद में इसका और काम आगे का होगा। और दोस्तों ब्लॉक का जो फेस है ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि इसी वजह से गाड़ी का इंजन खुल गया था। ये क्या हुआ था, ये गाड़ी जो है इसका रेडिएटर लीक हुआ था, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में दिखाया है। रेडिएटर लीक होने के बाद में क्या हुआ था कि जहाँ पर ये गाड़ी गई थी, तो कस्टमर का तो बताना है एजेंसी के अंदर गई थी, तो एजेंसी के अंदर सिर्फ सिलेंडर हेड गैस्केट चेंज कर दिया था और हेड को फेस करा दिया था, लेकिन ब्लॉक की तरफ ध्यान नहीं दिया ज़रा भी, जबकि इसका ब्लॉक का फेस आउट है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किधर से आउट है। अभी ब्लॉक मशीन पर लगा हुआ है, ये बाहर की साइड में यहाँ पर पकड़ आ रही है इधर, और अंदर की साइड में ये जो गोलाई वाला हिस्सा है सिलेंडर लाइनर वाला, इधर आपको दिख रहा होगा मशीन की पकड़ अभी नहीं आ रही है, तो यही हिस्सा पूरा डाउन हो गया है। और गाड़ी जब दोस्तों दोबारा में हीट हुई, जब काम होने के बाद में, तो कस्टमर ने कंपनी वालों को जब बताया, तो कंपनी वालों का कहना था कि इसका सिलेंडर ब्लॉक जो है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। वो भी सही बताया उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि पूरा ब्लॉक जब चेंज हो जाता है तो उसमें सभी पूरा कम्प्लीट असेंबली आती है, उसको पूरा फिट कर देते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया है और हो जाता है। लेकिन अब इधर रिपेयरिंग वाली बात है, तो कस्टमर ने हमारी YouTube वीडियो देखकर हमारे पास में फ़ोन किया और हमसे पूछा कि जमाल भाई क्या सिलेंडर ब्लॉक रिपेयर हो सकता है, रिपेयर होके चल सकता है? तो बिल्कुल बता दें दोस्तों, रिपेयर होके चल जाता है, लेकिन कंपनी वालों का कहना भी सही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी जब हीट हो जाती है तो कई बार ब्लॉक का बहुत ज़्यादा फेस आउट हो जाता है, और उस कंडीशन में ब्लॉक कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ये रिपेयर होकर काम चल जाएगा। तो अभी हम सिलेंडर ब्लॉक को जो है वो हम फेस करवा रहे हैं। तो फेस करवाने पे जो इसका जो फेस आउट था, तो अभी हम आपको ठीक से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा यहाँ पर, अब जो है पूरे एरिया में पकड़ आने लगी, बाहर की साइड में भी और सिलेंडर लाइनर की साइड में, जो गोलाई वाला जो हिस्सा है पहले यहाँ पर इस साइड में पकड़ नहीं आ रही थी, और अभी इस साइड में भी पकड़ आने लगी। तो यानी कि ये फेस जो है अब पूरी तरह से एक सा हो चुका है। तो अब हम इस पे जो नया वाला सिलेंडर हेड गैस्केट लगाएंगे तो उसकी पकड़ सही से आएगी, जैसे कि यहाँ पर बाहर का एरिया ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मशीन की पूरी पकड़ आई है अभी, और ये गोलाई वाले हिस्से में भी आने लगी, क्योंकि पहले नहीं आ रही थी, ये हिस्सा डाउन हो गया था और इसलिए गाड़ी हीट हो रही थी। तो ये हिस्सा जब डाउन हो जाता है, कंप्रेसर जो है पानी में जाने लगता है और गाड़ी जो है उबाल मारने लगती है, और गाड़ी का टेम्परेचर मीटर भी ऊपर को उठने लगता है। तो ये जो है एरिया में पूरे में पकड़ आने लगी, और इसका फेस जो है पूरी तरह से अब सही हो गया है। तो अब इस मशीन से हम ब्लॉक को निकलवा देंगे। और दोस्तों फेस कराने के बाद अब हम लेकर आए हैं इसको ब्लॉक वालों के पास में वापस से, क्योंकि इसके जो सिलेंडर लाइनर हैं इसमें जो है सिलेंडर में पॉलिश का जो काम होता है, हुनिंग जो कहते हैं, तो इसमें अभी पॉलिश का काम चल रहा है। तो ये भी सिलेंडर लाइनर लगाने के बाद में सबसे लास्ट का काम होता है, उसके बाद में इसमें सिलेंडर पिस्टन जो है लगाकर साइज़ इसका देख लेते हैं, जो हिसाब से साइज़ ये इसका माप तोल कर बनाते हैं। तो ये अभी साइज़ इसका पूरा बनाने के बाद में इसमें जो पॉलिश है, तो पॉलिश का काम चल रहा है ये भी।
और उसके बाद में दोस्तों इसकी जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट में भी काफ़ी सारे गहरे गहरे स्क्रैच बन गए थे, गड्ढे बन गए थे, तो क्रैंकशाफ्ट को भी दोस्तों जो टर्न कराना पड़ रहा है, इसको हम फ्रेश करा रहे हैं क्रैंकशाफ्ट को। तो क्रैंकशाफ्ट भी घिसने के बाद में जो है ये फ्रेश करने के बाद में 10 नंबर पे पहुंच जाएगी। तो अब जो इसमें हम मेन बिगिन जो लगाएंगे वो 10 नंबर के लगेंगे इसमें। और क्रैंकशाफ्ट जो है दोस्तों फाइनली पूरी फ्रेश हो चुकी है और अभी इसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये क्रैंकशाफ्ट जो है इसको पॉलिश हमने करवा दिया, पूरा टर्न करवाया, पॉलिश नहीं टर्न करवाया है। तो ये अभी इसका साइज़ जो है वो 10 नंबर पे पहुंच गया। पहले ये क्रैंक स्टैंडर्ड पे थी और ये फर्स्ट टाइम जो है इसको इस तरह से खराद पर फ्रेश करना पड़ा है। तो अब ये 10 नंबर पे पहुंच गई है और क्रैंक बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में हो गया अभी ये। और इसके जो मेन बिगिन हैं वो 10 नंबर के हम मंगवा कर इसमें फिटिंग करवा देंगे। तो सभी पार्ट हमने धोकर रेडी कर लिया है दोस्तों। और इसके जो चारों पिस्टन हैं, तो ये इसके चारों पिस्टन जो हैं दोस्तों, ये सभी पार्ट जो हमने फोर्ड का ओरिजिनल मंगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं कनेक्टिंग रॉड पे, वो आपको साफ साफ हम दिखा रहे हैं। तो सभी पार्ट हमने फोर्ड का ओरिजिनल मंगवाया है और इसकी पिस्टन जो है विद कनेक्टिंग रॉड आई हैं, कनेक्टिंग रॉड के साथ में ये पूरा कंप्लीट इसी तरह से आई हैं चारों पिस्टन। और इसके रिंग, इसके और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी हमने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। पर पार्ट्स जो है दोस्तों इसका मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, ये सब हमें ऑर्डर करना पड़ा। और ऑर्डर करने के बाद में अब जाकर हमारे पास में ये पार्ट्स आ पाया है, इसलिए वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट जो है आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन पार्ट हमने सारे के सारे फोर्ड के ओरिजिनल मंगवा लिए हैं, हमने कोई भी लोकल या गलत यूज़ नहीं किया है। सभी पार्ट जैसे कि इसका क्लच सेट, इसका और जितने भी पार्ट्स हैं, वाटर पम्प है और इसकी टाइमिंग बेल्ट है, सभी पार्ट्स हमने ओरिजिनल मंगा लिए हैं। और इसमें है इसका ऑयल फिल्टर और इसमें है दोस्तों इसका क्लच बेयरिंग, स्लिप सिलेंडर जो कहलाता है, गियर बॉक्स के अंदर की साइड में लगता है, तो ये इसका स्लिप सिलेंडर है। और ये इसकी टाइमिंग बेल्ट है, तो ये भी फोर्ड की ओरिजिनल ही मंगाई है हमने, एक एक पार्ट सभी फोर्ड के ओरिजिनल मंगाए हैं। और इसकी सील है दोस्तों, ये इसकी कैमशाफ्ट की सील और इसकी MRP प्राइस भी आपको दिख रही होगी। तो इसकी सीलें भी हमने सभी ओरिजिनल मंगा ली हैं। और इसमें है इसका सिलेंडर हेड गैस्केट, तो सिलेंडर हेड गैस्केट ये भी फोर्ड का ओरिजिनल ही है। स्पार्क प्लग दोस्तों हमने मोटर क्राफ्ट के मंगाए हैं, हमें फोर्ड के नहीं मिल पाए। और बाकी के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये रहा इसका रेडिएटर, तो ये भी फोर्ड का ओरिजिनल मंगाया है और दोस्तों बहुत सस्ता है। और इंजन जो ख़राब हुआ है, नुकसान जो हुआ इंजन में, वो इस रेडिएटर की वजह से ही हुआ है। और दोस्तों पहली बार में जब गाड़ी हीट हुई थी तो ये रेडिएटर की वजह से ही हुई थी। और रेडिएटर सिर्फ 2372 रुपये का है, 2372 रुपये का। तो दोस्तों ब्लॉक को धोकर हमने रेडी कर लिया है बिल्कुल से। और अब हम लगवा रहे हैं इसके जो मेन बैरिंग हैं, जो क्रैंकशाफ्ट के नीचे के लगे होते हैं मेन बैरिंग, और यहाँ पर लगा होता है इसका थ्रस्ट वार्सल वाला कैप, ये वाली। तो ये इस बैरिंग के, इस मेन बैरिंग के अंदर ही कम्प्लीट होती है। तो ये पूरी कैप जो है थ्रस्ट वार्सल के साथ में ही कम्प्लीट होती है। तो ये थ्रस्ट वार्सल जो है क्रैंकशाफ्ट की जो आगे पीछे की प्ले है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए लगी होती हैं। तो अभी लगभग हमने सभी इसके मेन बैरिंग लगवा दिए हैं और इन पर जो थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगा दिया है। इसके बाद लगाएंगे इसकी क्रैंकशाफ्ट। तो ये इसकी क्रैंकशाफ्ट है और क्रैंकशाफ्ट जो है धोकर बिल्कुल साफ करके रेडी कर लिया हमने। और अब हम इसको इस ब्लॉक के अंदर लगवाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों इसकी जो अपर वाले बैरिंग हैं, तो ये हमने इस ब्रैकेट में लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें कैप अलग से नहीं होती हैं, पूरा कंप्लीट ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट में हम नए पीस लगाकर, उस पर थोड़ा सा नया इंजन ऑयल लगाकर, ये ब्रैकेट को इस तरह से क्रैंकशाफ्ट के ऊपर की साइड में लगा दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, इसमें ये जो तीन कोने वाला जो निशान दिख रहा है, एरो जो दिख रहा है, तो इसको जो क्रैंकशाफ्ट के आगे के तरफ रखना होता है, यानी टाइमिंग कवर की तरफ। हालांकि आप इसे घुमा के लगाएंगे तो भी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एरो दिया है, निशान दिया है इसमें लगाने पहचान के लिए। तो ये इस तरह से लगाने के बाद में इसके जो बोल्ट होते हैं क्रैंकशाफ्ट को टाइट करने के लिए, टोटल जो है 10 बोल्ट होते हैं और ये 15 नंबर के होते हैं। तो 15 नंबर की गोरी टामी से टाइट करने के बाद में क्रैंकशाफ्ट को जो है चेक करना होता है। जैसे कि अभी हमने बोल्टों को थोड़ा टाइट करवा दिया है और उसके बाद में हम क्रैंकशाफ्ट को घुमा कर देख रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री है,
क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और इसकी जो थ्रस्ट वार्सल वाली जो प्ले है साइड प्ले, तो इसको भी चेक करना होता है। तो इसको जब इस तरह से हम चेक करेंगे तो सिर्फ आगे पीछे की थोड़ी सी महसूस होती हुई होना चाहिए, बाकी अगर बहुत ज़्यादा प्ले है तो दिक्कत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ महसूस होती हुई थोड़ी सी। तो दोस्तों ये जो हैं चारों पैकेट में अलग अलग एक एक पिस्टन के रिंग हैं, तो ये इसका पार्ट नंबर है यहाँ पर, और इसकी MRP प्राइस यहाँ पर लगी हुई है। तो ये एक पिस्टन की रिंग है एक पैकेट के अंदर। तो हमारे गाड़ी में चार पिस्टन है, तो चारों पैकेट अलग अलग हमने मंगवा लिए हैं ये, और ये सभी फोर्ड के ओरिजिनल हैं। तो एक पैकेट के अंदर दोस्तों तीन रिंग आते हैं, तो अभी निकाल कर आपको दिखाते हैं हम आपको। ये इसका कंप्रेशर रिंग है काला वाला, तो ये चमकदार जो स्टील वाला है ये इसका टॉप रिंग है, और ये जो दो पतली पतली पत्ती दिख रही है ये इसका ऑयल रिंग है, और ये इसका ऑयल रिंग का तार है। तो ये टोटल तीन रिंग होते हैं, और अब हम इसको लगवाएंगे पिस्टन में। तो नया वाला जो पिस्टन है, नया वाला पिस्टन के अंदर हम रिंग लगवा रहे हैं दोस्तों। तो रिंग जो है लगाने के बाद में जो हिसाब से इसमें अभी लगा रहे हैं, तो इसी हिसाब से बाकी के पिस्टन में भी लगाना होंगे। और दोस्तों जब भी कभी अगर इंजन का काम कर रहे हैं आप, तो अगर आप एक मैकेनिक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वैसे तो ज़्यादातर हमारे जो मैकेनिक भाई हैं वो सफाई से ही काम करते हैं, लेकिन 1% अगर जो कभी जल्दबाजी की वजह से भी थोड़ा ध्यान अगर नहीं दे पाते हैं, तो इस बात का याद रखें कि अगर आप कभी भी किसी गाड़ी का इंजन बना रहे हैं तो अपने हाथ पैर भी इतने साफ़ हों कि इंजन के जो हम किसी भी पार्ट को अगर हाथ लगा रहे हैं तो हमारे हाथों पर कोई कालोच मिट्टी धूल मिट्टी ऐसा कुछ ना हो, ग्रीस का कोई दाग तेल का दाग ना हो। हाथ पैर अपने पहले बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ताकि काम जो है बहुत सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, क्योंकि इंजन जो है वो रोज़ रोज़ तो नहीं बनता। एक बार अगर बना दिया आपने ठीक तरीके से तो कई सालों के लिए छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सफाई जो है इंजन के पार्ट में भी और अपने हाथों को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ रखें, ताकि इंजन बढ़िया बन पाए। तो ये जो है रिंग जो है दोस्तों ऑयल रिंग अभी हमने लगा दिया है, तो इसमें एक जो पत्ती होती है वो नीचे साइड में लगती है, उसके बाद इसका स्प्रिंग आता है, उसके बाद में एक पत्ती ऊपर की साइड से लगती है। तो इस तरह से ये इसका ऑयल रिंग आ गया, और उसके बाद में ये है इसका कंप्रेशर रिंग। तो कंप्रेशर रिंग में थोड़ा ध्यान देना है, इसमें एक साइड में छोटा सा कट है चारों तरफ, एक तरफ पट्टी है जो खांचा कटा हुआ है इसमें, तो ये खांचे वाला जो हिस्सा है ये नीचे की साइड में रखना है, और जो टॉप लिखा हुआ वाला हिस्सा है ये लिखे हुए वाले नंबर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है पिस्टन की टॉप की तरफ, और ये जो खांचे वाला हिस्सा है जो कट वाला जो खांचा इसमें बना हुआ है ये नीचे की तरफ रखना है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है, और इस तरह से लगाया जाएगा इसका कंप्रेशर रिंग। तो ये ऑयल रिंग के बाद में दूसरा नंबर का रिंग होता है, जो कि ऑयल रिंग के ऊपर की साइड में आता है बीचों बीच, ये कहलाता है इसका कंप्रेशर रिंग। तो इसमें जो लिखा हुआ वाला हिस्सा है जो आपको मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो टॉप लिखा हुआ है ये ऊपर की साइड में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी ये रहा इसका टॉप रिंग, तो टॉप रिंग में दोस्तों आप कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें उल्टा या सीधा कुछ नहीं होता है, दोनों साइड से एक सा ही होता है, तो किधर से भी आप लगा सकते हैं। और टॉप रिंग जो है वो सबसे ऊपर की साइड में आता है, और ये चमकदार होता है, स्टील का रिंग होता है समझ लीजिए इस तरह से। ये आपको टॉप रिंग जो है बहुत चमकता हुआ जो टॉप रिंग होता है जो सबसे ऊपर की साइड में आता है। तो ये तीनों पिस्टन के रिंग जो हैं वो हमने सही तरह से लगा दिए हैं पिस्टन के अंदर, बाकी के जो तीन पिस्टन बचे उनमें भी इसी तरह से लगाना है। तो ये एक पिस्टन का पूरा कंप्लीट हो गया, जो मैंने एक एक करके आपको दिखाया है। तो फाइनली अभी चारों पिस्टनों के रिंग जो है हमने ठीक तरीके से लगवा दिए हैं, और चारों पिस्टन के रिंग लगाने के बाद में अब हम लगवाएंगे सिलेंडर ब्लॉक में। तो सिलेंडर ब्लॉक जो है दोस्तों इसको हमने धोकर तो साफ़ कर ही लिया था, और अभी ये जो लाइनर वाला हिस्सा है, स्लीव वाला जो हिस्सा है, तो इसमें हमें साफ़ करने के बाद में थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगाना है, उसके बाद में हम इसके अंदर पिस्टन लगाएंगे। तो ये चारों सिलेंडर को हमने साफ़ कर लिया है, और लगाएंगे थोड़ा थोड़ा नया वाला ऑयल, और अभी लगवा रहे हैं हम इसमें नया वाला इंजन ऑयल रिंगों के बीच में। तो इस तरह से दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड लगाने से पहले ध्यान ये देना होता है
कि आपको जब कनेक्टिंग रॉड लगाने से पहले ये तीर वाला जो निशान है, ये तीर वाला जो एरो का निशान है, ये ठीक आगे की तरफ रखना है, क्रैंक शाफ्ट के सबसे अगले हिस्से की तरफ, यानी फ्रंट टाइमिंग कवर की तरफ, बस इतना ध्यान देना है। इस तरह से आपको इसकी पिस्टन जो है लगा देना है, और फिर इसके रिंग के जो मुंह हैं वो सभी सेट करना है। और अभी जो इसके पिस्टन के रिंग के जो मुंह हैं वो हम इस हिसाब से रखते हैं जो आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे टॉप वाला रिंग है तो इसका मुंह हमने ये इधर साइड में रख दिया, और इसमें जो ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग का भी दिखाते हैं आपको, शायद आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो टॉप रिंग के ठीक सामने की तरफ थोड़ा सा बचा के ये इसका ऑयल रिंग की एक पत्ती का मुंह हमने यहाँ पर रखा है, और बाकी कंप्रेशर रिंग जो है ये भी दिखाते हैं आपको। कंप्रेशर रिंग जो है ये काला वाला है जो बीचों बीच लगा हुआ है, तो कंप्रेशर रिंग का जो मुंह है वो हम पिस्टन के ठीक बीचों बीच यहाँ पर इधर साइड में लगाते हैं, इस साइड में। तो ये इस तरह से रिंगों के मुंह हमने सेट कर दिए। बाकी ध्यान ये देना होता है किसी भी रिंग का मुंह जो है वो पिस्टन पिन की तरफ यानी गजन पिन की तरफ नहीं होना चाहिए, उससे बचा के आप इसको सेट करके रख देंगे। उसके बाद इसे रिंग क्लिप लगा कर इसको टाइट कर देंगे और पिस्टन को आप अंदर लगा देंगे। डाल दूं, लाओ थोड़ी जोर, थोड़ी जोर। तो दोस्तों जो हिसाब से ये एक नंबर का पिस्टन अभी लगाया गया है, बाकी के तीन पिस्टन भी लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसी तरह से तीनों पिस्टन भी बाकी का हम लगा देंगे। तो फाइनली जो है दोस्तों हमने चारों पिस्टन लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। तो चारों सिलेंडर के चारों पिस्टन हमने ठीक तरह से लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम इसके लगाएंगे इसका चैम्बर। और अभी ये है इसका सिलेंडर हेड, तो सिलेंडर हेड जो है दोस्तों ये भी हमने रेडी करा लिया है, और इसका हेड का फेस बिल्कुल सही था, लेकिन इसके जो हेड के वाल्व हैं तो इसके वाल्व हमने सभी पुराने ही लगवाए हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन के निकले थे, और 16 के 16 सभी वाल्व हमने पुराने ही लगवाए हैं। इसकी वाल सीले जो हैं दोस्तों, वाल सीले हमने नई लगवा दी हैं, बाकी इसकी वाल सीटें, वाल गाइडें बिल्कुल ठीक थी, तो हेड में ज़्यादा खर्चा नहीं निकला इसमें, तो ये हेड का खर्चा बच गया और काफ़ी कम पैसों में हेड का काम हो गया है। और वाल्व जो हैं फोर्ड के ओरिजिनल हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ के ही हैं, और इनमें ज़रा भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो ये हमने सभी वाल पुराने ही रहने दिए हैं। और चलिए लगवाते हैं अभी हम इस सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर की तरफ, और इसको हमने धोकर साफ़ करके रेडी कर लिया है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई गंदगी या मैल मिट्टी नहीं है, जितनी भी गंदगी थी सारी के सारे हमने बाहर निकाल दी है। और दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के जो सभी बोल्ट जो हैं, मेन वाले और बिगिन वाले, ये सभी हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइट करवा दिए हैं पिस्टन लगाने के बाद में। और इसकी जो कैप है, इसकी जो बिगिन वाली कैप है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी प्ले होती है, तो इस तरह से होना चाहिए, अगर ये जाम होगी तो भी इंजन घूमेगा नहीं, रोटेट होने में घूमने में बहुत दिक्कत होगी। और इसका फ्लाई व्हील लगा दिया है, इसकी मेन सील लगाकर। और दोस्तों इसका जो चैम्बर लगाने से पहले जो इसकी जो अंदर की जो शील्ड होती है, जो प्लेट होती है, और इसकी ऑयल स्ट्रेनर जो है, पंप वाली जाली जो है, ये हमने लगा दी है। ऑयल चैम्बर के अंदर जो जाली होती है लगी हुई, जो ऑयल स्ट्रेनर कहलाती है, तो ये हमने सब ठीक तरीके से साफ़ करके और इसको अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिया है। सारे बोल्ट इसके लगवा दिए हैं, और अब लगवाएंगे हम इसका ऑयल चैम्बर, ऑयल सम्प जो कहलाता है। तो वो लगाने से पहले हमें इसमें ट्यूब लगाना होगी इसके जॉइंट वाले हिस्से पर, इस फेस को भी साफ़ करना होता है ट्यूब लगाने से पहले। तो जो पैकिंग वाली जो ट्यूब है जो हम इस पर लगाएंगे एनावॉन्ड की, तो वो लगाने से पहले हमें ये सब साफ़ करना होता है। तो दोस्तों इसमें हमने यूज़ की है रेसी बॉन्ड की ट्यूब, तो रेसी बॉन्ड की जो ग्रे कलर की ट्यूब है वो हमने लगाई है इसमें पैकिंग के लिए, तो ये इसकी लीकेज रोकने के लिए लगाई जाती है। तो ये अभी हमने लगा दी है, और लगवाएंगे इसका ऑयल सम्प। तो ऑयल सम्प जो हमने साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और अब इसे लगवाएंगे।
तो ये ऑयल सम्प लगाने के बाद में इसके जितने भी बोल्ट हैं जॉइंट वाले, ये सभी अच्छे तरीके से लगाकर इनको टाइट कर देना है। और ये टाइट करने के बाद में इंजन को हम सीधा कर लेंगे। और इंजन को सीधा करने के बाद में इसमें जो ऊपर ब्लॉक के ऊपर जो सिलेंडर हेड लगता है, तो सिलेंडर हेड लगाने से पहले दोस्तों हमें इसका सिलेंडर हेड गैसकेट, तो ये इसकी MRP प्राइस भी आपको दिख रही होगी, ये भी हमने फोर्ड का ओरिजिनल मंगाया है। तो ये रहा इसका सिलेंडर हेड गैसकेट। तो सिलेंडर हेड पे जो है दोस्तों ये नया वाला गैसकेट जो है हम लगा रहे हैं इस पर, और इसके पिस्टन वगैरह सभी लगाकर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और अब लगवाएंगे इसका सिलेंडर हेड इस ब्लॉक के ऊपर। और ये लगवा दिया हमने इसका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट है, और सिलेंडर हेड लगाने के बाद दोनों कैमशाफ्ट लगाएंगे। तो पहले सिलेंडर हेड के अंदर जो हैं इसके अंदर ये बोल्ट लगे होते हैं स्टार एलंकी वाले, तो स्टार एलंकी के ये सभी बोल्ट जो हैं ये हमें ठीक तरीके से लगाना होते हैं, और उसके बाद में इनको अच्छे तरीके से टाइट भी करना होता है। और दोस्तों इस डिब्बे के अंदर है इसका वाटर पंप, और वाटर पंप की दोस्तों आप इसकी MRP प्राइस और इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी MRP प्राइस लिखी हुई है। और ये फोर्ड का ओरिजिनल वाटर पंप है, तो ये भी हमने ओरिजिनल ही मंगाया है। और वाटर पंप बदलना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि पुराना वाला जो वाटर पंप है उस पर पहले से ही किसी ने एरल्डाइड की ट्यूब लगा दी थी एक साइड से, शायद लीकेज होगा इसलिए लगाई होगी। तो ये भी हमने नया मंगा लिया है और नया ही लगा रहे हैं। तो ये फोर्ड का ओरिजिनल है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस पर फोर्ड, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो सभी पार्ट हमने फोर्ड के मंगवा लिए हैं और सभी हम अच्छे तरीके से इस इंजन में लगवा रहे हैं। और ये है इसकी टाइमिंग बेल्ट, तो टाइमिंग बेल्ट जो है दोस्तों इसकी MRP प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है, और टाइमिंग बेल्ट भी हमने फोर्ड की ओरिजिनल मंगाई है, इसका पार्ट नंबर वगैरह सभी लिखा हुआ है। तो ये भी हमने ओरिजिनल मंगाई है। तो अभी रात का समय हो गया है दोस्तों, अभी हमें ये फिटिंग भी करना है और फिर कल सुबह को इस गाड़ी को स्टार्ट भी करना है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी अभी इसको फिटिंग करवाते हैं। और इसमें है दोस्तों इसका क्लच सेट, तो क्लच सेट जो है दोस्तों क्लच सेट भी हमने फोर्ड का ओरिजिनल मंगाया है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सस्ता है, इतना सस्ता क्लच सेट तो मेरे ख्याल से वैगनआर का भी नहीं आता है, और ये 2100 रुपये MRP का है और ओरिजिनल फोर्ड का है। तो ये क्लच सेट जो है हमने ये भी नया मंगवा लिया क्योंकि इसका क्लच सेट भी कमज़ोर हो चुका था, क्लच प्लेट जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, तो ये हमने ओरिजिनल मंगवा दिए। और इस पर सब लिखा हुआ है साफ साफ, इसका पार्ट नंबर, गाड़ी का नाम इस पर लिखा है फोर्ड फिएस्टा, और ये ओरिजिनल क्लच प्लेट और इसकी प्रेशर प्लेट पूरा सेट है। तो अभी इसको हम गाड़ी में लगवा देंगे। तो अभी हम इसका क्लच प्लेट लगा के रेडी कर रहे हैं और सुबह के टाइम काम करेंगे, रात काफ़ी हो चुकी है, बाकी का सुबह को दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो गया है और इसका गियर बॉक्स जो है, तो गियर बॉक्स के अंदर का जो सिलेंडर लगा होता है, क्लच बैरिंग जो कहलाता है, यहाँ पर लगता है इस साइड में, तो क्लच बैरिंग जो है वो हमने नया मंगवा लिया है क्योंकि पुराना वाला ख़राब हो गया है। और वो कैसा ख़राब हुआ है चलिए वो भी सुनवा देते हैं। पहले वो सराड़ा दिखाना है, जोर से ऊपर पकड़ा, और ये है इसका नया वाला क्लच बैरिंग, तो ये स्लेब सिलेंडर कहलाता है। और स्लेब सिलेंडर जो है दोस्तों ये भी इसकी MRP प्राइस यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और ओरिजिनल फोर्ड का मंगाया हमने। और चलिए पुराने वाले से और नए वाले से दोनों साथ में रखकर आपको दिखा देते हैं ये भी। तो ये इसका नया वाला है और बराबर में जो रखा है ये इसका पुराना वाला है, तो दोनों ही सेम है क्योंकि ये दोनों फोर्ड के ओरिजिनल हैं। तो ये हमने ओरिजिनल मंगा दिया है, क्लच सेट भी हमने ओरिजिनल मंगा लिया है, तो अब क्लच का काम भी बढ़िया हो जाता है, तो इससे भी गाड़ी का पिकअप और शानदार हो जाएगा, और जब गाड़ी का पिकअप शानदार होगा तो गाड़ी का एवरेज भी बढ़िया ही होगा। तो ये हमने दोनों ओरिजिनल मंगा लिए हैं, पुराना वाला हम निकाल देंगे और नया वाला लगाएंगे अब इस गाड़ी में। तो ये यहाँ पर लगता है दोस्तों इस तरह से, और इसमें टोटल 3 बोल्ट लगे होते हैं दोस्तों, और ये 3 बोल्टों पर लगा हुआ होता है। तो अभी हम इसके जो सिलेंडर लगाने के बाद में इसके तीनों बोल्टों को टाइट करवा रहे हैं, तो तीनों बोल्ट टाइट करने के बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 नंबर के पैल वाले होते हैं, तो 8 नंबर की गोटी से हमें टाइट,
और फाइनली जो है दोस्तों इंजन पूरा हमने कंप्लीट बना लिया है और अभी हम इसे गाड़ी में रखवाने वाले हैं। तो गाड़ी में रखवाने से पहले हमें गाड़ी के जो भी साइडों की जो फिटिंग है उसको बचा दिया हमने और इंजन पूरा तैयार है और इसको इसी तरह से गाड़ी में भी लगवा देंगे। और गाड़ी में लगवाने के बाद में इसकी पूरी फिटिंग कराकर और पूरी फिटिंग करने के बाद में हम ये इंजन आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी इंजन जो है हमने गाड़ी में लगा दिया है और गाड़ी में लगाने के बाद में अभी इसका फिटिंग का काम चल रहा है। तो साइडों की जितनी भी फिटिंग है वो भी हम करवाएंगे। फ़िलहाल तो हमने इसके इंजन की जो माउंटिंग है, गेयरबॉक्स की जो माउंटिंग है, उसमें लगाकर इंजन को टांग दिया है और अभी साइडों की सभी फिटिंग एक तरफ से करवाते हुए चल रहे हैं। तो सभी फिटिंग कंप्लीट होने के बाद में ये गाड़ी हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। और ये हमने इसका रेडिएटर जो फोर्ड का ओरिजिनल मंगा लिया है तो इसका रेडिएटर भी हम लगाएंगे, क्योंकि रेडिएटर की वजह से ही इंजन खुला था। रेडिएटर जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने आपको दिखाया था 2370 रुपये का रेडिएटर है ये, और ये रेडिएटर ही लीक हुआ था जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हुआ, गाड़ी का इंजन का कूलेंट धीरे धीरे निकलता रहा, कम होता रहा और अंदाज़ा नहीं हो पाया और ये गाड़ी जो है हीट होने लगी। और दोस्तों इस गाड़ी के इंजन में जो हमने इंजन बनाया इसमें हम यूज़ करेंगे कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक जो इंजन ऑयल है 5W30 5W30। तो ये पेट्रोल, डीजल और CNG सभी गाड़ियों में आता है और ये 3.5 लीटर की कैन है तो इसमें 4 लीटर पड़ता है, तो हमने आधा लीटर ये वाला ले लिया है। तो ये भी 5W30 है और ये दोस्तों सभी गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं आप, डीजल, पेट्रोल, CNG इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है फॉर पेट्रोल, डीजल, CNG एंड हाइब्रिड कार्स। तो ये इंजन ऑयल दोस्तों कैस्ट्रॉल का है और बहुत बढ़िया इंजन ऑयल है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, तो मैं यूज़ करता हूँ। तो फाइनली इंजन हमने पूरा रेडी कर दिया है और अभी ये गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, इसके इंजन की साउंड वो सभी सुनवाएंगे, क्योंकि ये पेट्रोल कार है और ये 1.2 लीटर फोर्ड फीगो पेट्रोल इंजन है। तो इसको हमने बना दिया है, पूरा रेडी कर दिया है और अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनिए आप इसकी साउंड। हाँ, स्टार्ट करो। तो दोस्तों इंजन की साउंड आप सुन सकते हैं, इंजन की साउंड जो है बहुत बेहतरीन आई है, बहुत मस्त साउंड आई है और इंजन की जो भी साफ़ सफाई है वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है और इसकी स्टार्टिंग भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो अब ये गाड़ी को हम धुलवा कर रेडी कर और फिर इसको हम इसकी टेस्ट ड्राइव पर जाएँगे, इसको चला भी देखेंगे और उसके बाद ये गाड़ी जो है दोस्तों हम कस्टमर को दे देंगे। तो ये गाड़ी अभी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। और दोस्तों अभी ये गाड़ी रेडी करने के बाद में हम आए हैं इसकी ट्रायल पे। तो काफ़ी देर से हम इसको चला रहे हैं और काफ़ी दूर तक हम इसको चलाने गए थे। तो ये गाड़ी जो है दोस्तों बहुत बढ़िया चल रही है अभी। और गाड़ी के पिकअप की भी अगर बात करें तो पिकअप भी बहुत शानदार है, क्योंकि इंजन के साथ साथ इसका जो क्लच सेट है वो भी हमने नया डाल दिया और क्लच नया पड़ने से नई पावर आ जाती है। एक तो इंजन पूरा नया हो गया, ऊपर से क्लच भी पूरा नया हो गया, तो ये दोनों काम जो बिल्कुल नए हो गए। तो इंजन की पावर के साथ साथ इसका क्लच की पावर बढ़ने से इसका पिकअप और शानदार हो गया और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है और गाड़ी बहुत बहुत हल्की चल रही है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो चुका है और गाड़ी को हमने दिन भर चलाया, खूब चलाकर देखा और भाई अभी जा रहे हैं गाड़ी लेके। ठीक है भाई, ठीक है, आराम से जाओ भाई। तो ये गाड़ी रेडी कराने के बाद में भाई ने भी चला कर देखी और गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और निकल रहे हैं अपने बरेली के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।